तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की व्रत वाली चाट। तो यहाँ पे मैंने लिए दो आलू और इनको पतली पतली पीसेस में काट लिया है, और लिया एक बॉल मूंगफली, और दो यहाँ पे मैंने एक चम्मच ऑयल लिया है। उसमें सबसे पहले मूंगफली को फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसी के साथ हम आलू भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आलू ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी और सावा बना बना के तो हो गई थी परेशान, तो बनाया आज आलू की चाट। तो यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, और 2-3 हरी मिर्ची जिनको लंबे लंबे पीसेज में काटा, अदरक के टुकड़ा डाला है एक पतली पतली पीसेज में करके। तो देखिए यहाँ पे हमें इसे खुले में ही पकाना। तो ये देखिए यहाँ पे तेल में फ्राई हो चुकी है और आलू गल चुके हैं। तो 2 मिनट में बन जाती है आलू वाली चाट। तो इसमें ऐड करेंगे ऊपर से हरा धनिया। हरे धनिए के बगैर तो कोई भी चाट अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ सर्व इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी और सुंदर दिख रही है आलू की चाट। तो आलू की चाट में आप ऊपर से काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, अगर रेड चिल्ली खाते हैं आप तो ऊपर से रेड चिल्ली भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ रेड चिल्ली। तो यह सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस 2 मिनट में बनने वाली आलू की चाट की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर आपको समझ में नहीं आई कि हमें क्या करना है, तो 2 मिनट में यह आलू की चाट बनकर है तैयार। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में। बाय बाय।